अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम नुमान है और जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देखें तो अब मैं 10 सेकंड रोशन कर देता हूँ। मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं दुबई में जॉब करता हूँ। अभी मैं रिसेंटली जॉर्जिया होके आया हूँ। जॉर्जिया बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, रशिया के मतलब रशिया, जॉर्जिया, तुर्की आपस में मिलते हैं। तो मैंने सोचा यार कि लेट्स गो एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो मेरा पहला जो इंटरनेशनल जो मैं ट्रैवल किया वो जॉर्जिया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको मैं बताता हूँ, अगर आप यूएई में रहते हो या इवन आप मिडिल ईस्ट में रहते हो तो आपको बहुत अच्छे पैकेज भी मिल जाते हैं डिफरेंट एयरलाइन से, लेकिन बेस्ट तो ये होता है कि आप खुद ही पैकेज कराओ, मतलब खुद ही टिकट कराओ, पैकेज, होटल, और आपने अगर आपने कोई टूर बुक कराना तो वो भी आप ऑनलाइन करवा सकते हो या आप देख सकते हो डिफरेंट वेबसाइट्स भी हैं गूगल पे। तो सबसे पहले देखा वो टिकट देखी, फिर मैंने होटल बुक कराया। बड़ा कमाल किस्म का मुझे जो है ना अपार्टमेंट मिला जॉर्जिया में, और वो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। तो मैंने पकड़ा बैग, कपड़े डाले और मैं अकेला निकल गया जॉर्जिया के लिए। टिकट मैंने बुक कराई एयर अरेबिया से शारजा टू जॉर्जिया तिबलीसी। तिबलीसी जो है वो जॉर्जिया का कैपिटल है और जो शारजा से 2061 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जिन लोगों ने पहले कभी एयर अरेबिया पे सफ़र नहीं किया उनके लिए बहुत बुरी खबर ये है, अगर वो खाने के बहुत शौकीन हैं तो उनको फ्री में खाना नहीं मिलता भाई। या तो आपको पहले ही टिकट के साथ प्री ऑर्डर बुक करवाना पड़ता है खाना, या फिर आप जहाज़ में बैठ के ले सकते हो, लेकिन जहाज़ में थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता है। प्लस ये कि आप पहले से ही ऑर्डर कर लो तो आपका खाना खुद ही आपको आके क्रू सर्व करता है। आया हाया है। सो मैंने एडवांस में बुक कराया था चिकन औजी विद राइस, फौरन ही खा गया जैसे आया। यही जॉर्जिया तिबलीसी की हदूद में हम दाखिल हुए तो पता चल गया जॉर्जिया आ गया, बादल आ गए गहरे और जहाज़ के साथ टकरा रहे थे। जॉर्जिया में आपको मिलता है ऑन अराइवल वीज़ा, क्लियर लिखा है इनकी वेबसाइट पे भी, और आपके पास मिडिल ईस्ट का रेजिडेंसी वीज़ा है। आप अगर यूई में जॉब कर रहे हो या आपकी अपनी कंपनी है, मतलब आप पे वीज़ा लगा हुआ है यूई का आपके पासपोर्ट पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप जाते हो, आप ऑन अराइवल वीज़ा है और आपको ठक करके फ्री वीज़ा है और आपको ठक करके वो अंदर आने देते हैं। जैसे हम जॉर्जिया के एयरपोर्ट में एंटर हुए तो उन्होंने क्या किया जी के बाकी सब नेशनैलिटीज़ को जाने दिया जिनका ग्रीन पासपोर्ट था, सबको रोक लिया, मतलब पाकिस्तानियों को। मतलब उसमें फैमिलीज भी थी, मैं आपका भाई बेचारा भी था, तो लाइन में ये उन्होंने खड़ा कर दिया। फिर इमिग्रेशन का ऑफिसर आया और एक एक करके सबसे पूछा, भाई आप कौन हो, आप क्या करते हो, क्यों आए हो। सो मैं आपको अपना बताता हूँ, जॉर्जिया में एंटर हुआ, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास क्या कहता है, व्हाट इज़ योर नेम। मैंने कहा भाई नुमान, आप क्या करते हो। मैंने कहा भाई मैं दुबई में जॉब करता हूँ। तो कहते हैं यहाँ पे क्या लेने आए हो। मैंने कहा मुझे दुनिया फिरने का शौक है, और मैंने जब देखा कि जॉर्जिया बहुत ही खूबसूरत जगह है और उसको एक्सप्लोर करना चाहिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने दो तीन जगहों का भी नाम लिया जो मुझे बाई चांस ही याद थी, मैंने गूगल किया था, जिसमें से तबलीसी इनका कैपिटल, फिर गौदावरी, फिर मस्खैता, ऐसा से था तीन चार सिटीज़ थे जो मैंने ना मेरे माइंड में थे, मैंने बोल दिए। फिर उसने पूछा कि अच्छा जी अपनी होटल बुकिंग दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाओ, और बस उसने एकदम उसे क्वेश्चन क्यों जान दिया। लकीली उस टाइम सारे के सारे जो पाकिस्तानी हमारे साथ थे उनको सबको जाने दिया, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि अगले दिन एक बंदा आया था, उसको उन्होंने रोक लिया क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हो गया था। सो बेसिकली आपने जब भी जॉर्जिया का ट्रिप मारना है ना तो बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। आप हल्के से घबराए ना, वो इमिग्रेशन वाला बंदा कहता है नहीं भाई कोई चक्कर है, हालांकि पता नहीं हमारे पाकिस्तानियों के मूथे में लिखा होता है कि भाई हम हरकत करेंगे। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वाह क्या इंग्लिश मारी है। ईजीली फिर उसने जी मुझे कहा ठीक है जी ओके जाओ, उसने ठप्पा मार दिया। सो तीन चीज़ें आपको ज़रूरी हैं अगर आपने जॉर्जिया के लिए ट्रैवल करना है तो रखनी अपने पास मस्ट। पहली चीज़ आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, इंश्योरेंस में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस सब शामिल है, वो आपको ईजिली मिल जाती है 50 दिरहम की, इट्स नॉट अ बिग इशू। टिकट की कॉपी आपने रखनी है अपने पास। थर्ड आपने रखनी है होटल की रिजर्वेशन, ये बहुत ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें आपके पास हों सो कोई मसला नहीं, और बी कॉन्फिडेंट। बाकी बातें फिर बाद में करेंगे, अभी जो नेक्स्ट मेरी वीडियोस होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वहाँ पे कैसे अपने दिन गुजारे, खाने पीने की कौन सी जगह अच्छी है वहाँ पे, फिर आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो। आपको चीप ऑप्शन भी बताऊंगा और महंगे ऑप्शन बताऊंगा। मैं तो भाई फर्स्ट टाइम गया था, ये मेरा पहला ट्रैवल था, तो मैंने खुल के हंसी की है। चले लेट्स गो।
एडवांस टैक्सी बुक करती है जो चीप पड़ती है, लेकिन हुआ ये जब मैं शारजा में था तो मुझे टैक्सी वाले की मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे कि भाई मैं नहीं आ सकता, मुझे प्रॉब्लम हो गई है। तो इशू पर ये हुआ, जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मुझे एयरपोर्ट से महंगी टैक्सी करानी पड़ी। तो मेक श्योर कि आप लोग पहले एडवांस बुकिंग करा लो तो वो सस्ती पड़ती है। मुझे जाना था तिबलिसी एयरपोर्ट से फ्रीडम स्क्वायर, जहाँ पे मैंने अपना अपार्टमेंट बुक कराया था। फ्रीडम स्क्वायर के पास पहुंचा तो बहुत ही कमाल मौसम हो गया, बारिश शुरू होगी और मौसम ठंडा हो गया एकदम। उस टाइम जब मैं शारजा से निकल रहा था तो मौसम तकरीबन 24-25 सेंटीग्रेड था। तिबलिसी में एंटर हुआ तो उस टाइम जो मौसम जब मैं पहुंचा तो 9-10 सेंटीग्रेड था, अचानक ही मौसम चेंज हुआ। मैं पहुंचा अपने अपार्टमेंट पे जो फ्रीडम स्क्वायर से बिल्कुल 1 मिनट के भी डिस्टेंस से कम था, वॉकिंग डिस्टेंस, जो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। फिर मिलते हैं, बाय।